आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा, सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। झूम उठा मोरा दिल बे। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती है। बातें कुछ अनकही सी, इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अच्छे से साफ करो, एक भी निशान हमको दिखना नहीं चाहिए। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है रुद्र, बस थोड़ा गुस्से वाला है। मुझे माफ कर दो, आज उसने मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। इट्स ओके आंटी, मैं अंश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका गुस्सा बहुत शॉर्टकट है, धीरे धीरे वो आपकी बात समझ जाएगा और शादी के लिए भी मान जाएगा। इसी में उसकी भलाई है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, मेरे मॉम डैड पार्किंग में वेट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। पता नहीं कहाँ चला गया ये अंश, गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर बैठा है। सुनता है माँ, नेहा का फोन आया था, भैया ऋषि और नेहा के साथ कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं। चलो शुक्र है, अब नेहा और ऋषि से उसकी खैर खबर तो पूछ सकूंगी मैं। अंश भी ना सोचता ही नहीं है कुछ, और सब ठीक हो जाएगा।